थाना विज्ञान नगर कोटा में एक प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसका नाम खुशबू है। वो महिला है, उसने कहा मेरे बेटे को 15 अप्रैल को आरोपी राहुल ने हत्या कर दी थी और JKLN हॉस्पिटल ले जाकर उसको एडमिट करा दिया था। हम JKLN हॉस्पिटल कोटा में पहुंचे, हम उनकी बातों पे विश्वास किया। विश्वास करने के बाद में उसकी लाश को हम घर लेकर आ गए, रात भर लाश को रखा, सुबह हमने 16 तारीख को दफना दिया। हमने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया क्योंकि राहुल ने ये बताया, वो ब्राह्मण है, पारिक है, कि वो एक्सीडेंट हो गया। ये घटना होने के बाद, उसने दफनाने के बाद 12 दिन जब हो गए, तो राहुल पारिक है, उस बच्चे को जिस दिन मारा है, हत्या की है, गला दबा के उसके साथ मारपीट की है, उसने अपनी दुकान के अंदर वीडियो बनाए और उस वीडियो की विजुअल फोटोग्राफी स्क्रीनशॉट लेकर उस महिला जो उस बच्चे की माँ थी उसको वो भेजता रहा। जब उसकी माँ ने देखा कि मेरा बच्चा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये हत्या की गई है, तो इस पर कल विज्ञान नगर थाना में कोटा में 165 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ है। हमने आरोपी को गिरफ्तार किया है और अनुसंधान कर रहे हैं। आज SDM साहब भी आए हैं, डॉक्टरों की टीम भी आई है, हम उसकी कब्र से लाश निकाल रहे हैं। 16 अप्रैल को जो दफनाई की थी और हत्या का जो कारण है वो हम लेंगे, FSL भेजेंगे, DNA परीक्षण भी कराएंगे और अनुसंधान करेंगे। प्रथम दृष्टया ऐसे लगता है कि वो मेंटली साइको टाइप होगा, हालांकि मुझे लगता नहीं है साइको है, वैसे बातचीत में तो सही लग रहा है, क्योंकि खुद ने मारा है, खुद ने वीडियो बनाया है, खुद वीडियो के विजुअल भेज रहा है महिला के साथ। इनका आपस में क्या संबंध रहा है सर, महिला का? इनकी कोई एक प्रोग्राम में ये मिले थे करीब जनवरी के महीने में, बता रहे हैं ये आपस में इस तरह से इनकी जान पहचान हो गई थी। कोई इनके महिला के कोई घर रिश्तेदारी में कोई भंडारा था, ये भंडारे में मिले थे। अब आगे क्या कारण है ये अनुसंधान से पता। विवाद अभी तक सामने नहीं आया या फिर? अभी तक तो कोई विवाद नहीं आया है। वो बच्चे को क्यों मारा है, बच्चे को मारने का कारण भी अभी पता नहीं लगा है, क्योंकि बच्चा 2.5 साल का है, उसे कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती है। महिला की हत्या होती तो मानते कि ये विवाद है, अब वो विवाद का कारण क्या, हम अनुसंधान से कर रहे हैं। आरोपी की कहीं की दुकान क्या काम करता है? आरोपी के फादर है जो कोई न्यूज पत्रिका में कोई नौकरी करते थे, और ये तो बेरोजगार है और 32-33 साल का है और अविवाहित है। तो ये जान पहचान कैसे, मतलब ये बच्चे को कैसे ले गया था, क्या बोल के ले गया था? राहुल के पिता का क्या? ये जो महिला है उसकी खुशबू, उसका बेटा है जो वो अस्पताल में दिखाने गई और उसको कह दिया मैं अस्पताल में दिखाने जा रही हूँ और तू मुझे साथ लेके जा। तो माँ और बेटे और राहुल तीनों स्कूटर से गए हैं। अस्पताल में जाने के बाद में उस बच्चे को उसने राहुल को सौंप दिया और वो अस्पताल में गई, ये अनुसंधान से बताया है। और अस्पताल के बाहर से वो बच्चे को अपहरण करके ले जाके और दुकान के अंदर उसकी हत्या कर दी। 1.5 महीने तक रखा साथ में बच्चे को? नो, 1.5 महीना पहले तो हत्या की गई है, 1.5 महीने पहले, लेकिन इनकी पिछले 6 महीने से जनवरी से इनकी जान पहचान। सर राहुल के पिताजी का क्या नाम है? शायद जान तक है, रमेश चंद्र जी। दुकान में ना था, मैं दुकान में काम कर रहा था, फिर ऑटो कराया, ऑटो में लेके गई, मैं पता ही वहाँ विद्यान नगर ले बोला उसका बच्चे को आज आसमी बाहर निकाल दिया। कौन? राहुल नाम। नहीं, विद्यान नगर ये पत्नी आपकी लेके गई बच्चे को? दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।